लड़की के साथ रेप का केस ढूंढना होता है, तो शहबाज शरीफ साहिब वादा करते हैं कि वो जब तक मुजरिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाते, चैन से नहीं बैठेंगे। मैं हैरान हूं कि वो कैसे चैन से बैठे हैं। एक रुपए की पर्ची यहाँ पे और वहाँ पे इमरान खान साहिब ने 100 रुपए की पर्ची कर दी है, मैंने सुना अभी, तो प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। प्राइम मिनिस्टर का ये ख्वाब है कि ये लोग हर बच्चे को स्कूल जाता देखेंगे। अभी 5 साल तकरीबन होने वाले हैं हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है, ये ख्वाब ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, वो भी ख्वाब दिखाती जाएगी, तो क्या ये ख्वाब सिर्फ हम देखते रहेंगे, इसको कोई फुलफिल करने का मतलब नहीं है। मियाँ शरीफ साहब के बकौल उनकी जायदाद का बंटवारा 2007 में हो गया था, जिसमें सब भाइयों को हिस्सा मिला। हुसैन नवाज को हिस्सा मिला, हसन नवाज को हिस्सा मिला, मगर मरियम नवाज को हिस्सा नहीं मिला। अगर मरियम नवाज को जायदाद में हिस्सा नहीं मिला तो हम आम औरतों का क्या होगा? प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, प्रोफेसर वारिस मीर साहब ने एक किताब लिखते हुए सवाल उठाया था कि क्या औरत आधा इंसान है। ये सवाल अभी तक हवा में मुअल्लक है, और आज हम देखते हैं कि 51% होने के बावजूद, या शायद इससे भी ज़्यादा होने के बावजूद, हम देखते हैं कि ख्वातीन को उनके हुकूक का 50% तो क्या शायद 20% भी नहीं मिल रहा। बहुत सारी मिसालें इसकी दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर ख्वातीन के लिए 50% जॉब्स मुहैया नहीं हैं, ख्वातीन के लिए यहाँ तक कि एक बस में 50% नशस्तें भी नहीं होती, तो 50% जॉब्स क्या होंगी उसके लिए। तो सवाल यह है कि क्या ख्वातीन में सलाहियत नहीं है, या ख्वातीन को मौके फराहम नहीं किए जाते। आज का ये प्रोग्राम जो हम ख़ास तौर पर ख्वातीन के साथ कर रहे हैं और ख्वातीन के लिए कर रहे हैं, सवाल हम ये उठा रहे हैं कि ख्वातीन पार्लियामेंटेरियंस ने ख्वातीन के लिए क्या किया। और आज का ये प्रोग्राम जो हम तालिबात के साथ कर रहे हैं, यूथ के साथ कर रहे हैं, इन तालिबात के सामने ख्वातीन पार्लियामेंटेरियंस या एक्स पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, और ये सवाल आज तालिबात इनके सामने रखेंगे, इनसे पूछेंगे। कुछ सवाल हमारे होंगे, लेकिन ज़्यादातर सवाल जो हैं ये तालिबात के होंगे जो इन से आज के प्रोग्राम में पूछे जाएंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं और फिर हम सवालात की तरफ बढ़ेंगे, जो कुछ मेरे होंगे और कुछ इन तालिबात के होंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं फायज़ा मलिक साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, MP हैं। बहुत शुक्रिया फायज़ा मलिक साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं इस खास प्रोग्राम में। सादिया सुहेल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं वुमेन विंग पंजाब की। सादिया साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आमिना उल्फा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा हैं, और जब इनका दौरे हुकूमत था तो बड़ा दबंग अंदाज में तमाम खवातीन से, सिर्फ आमना साहिबा नहीं, इनके जो साथी पार्लियामेंटेरियन थी वो भी बड़े ख़ास अंदाज में आवाज़ बुलंद करती रही, लेकिन उस आवाज़ में खवातीन के लिए कितनी आवाज़ उठाई गई थी ये हम इनसे पूछेंगे। और डॉक्टर आलिया साहिबा मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं हमारे साथ, डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। और डॉक्टर साहिबा जो हैं उनकी तरफ आज तमाम जो निशाने हैं उनका रुख होगा, इनकी ओपोजिशन की तरफ से भी और जो तालिबात हैं उनकी तरफ से भी। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद, और मैं अपना सवाल इनके सामने रखने की बजाय पहला सवाल करने का जो हक है वो ख्वातीन को देता हूँ कि आप आए मैदान में और सवाल उठाएँ। मेरा सवाल मुस्लिम लीग नून की रहनुमा से है, जब भी किसी गांव, शहर या कस्बे में कोई भी किसी लड़की के साथ रेप का केस ढूंढना होता है, तो शहबाज शरीफ साहिब वादा करते हैं कि वहां के लोगों से कि वो जब तक मुजरिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाते, चैन से नहीं बैठेंगे। मैं हैरान हूं कि वो कैसे चैन से बैठे हैं और कैसे वो आज तक किसी मुजरिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया। जी सवाल ये कि देखें, जो मुजफ्फरगढ़ में हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर वाकयात हुए, शहबाज शरीफ साहब फौरन पहुंचते हैं, वादा करते हैं कि जब तक कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे हम चैन से बैठेंगे नहीं, लेकिन आज तक कोई एक एग्जांपल भी ऐसी नहीं है कि एक मुजरिम पहुंचे हों कैफे किरदार। देखिए, मैं इनसे बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो मैं खुद भी एक औरत हूँ, ठीक है, और एक औरत की इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम असेंबली में आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि पहले ही लोगों में ना जो फैमिली के होते हैं वो मुकमुका हो जाता है। मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, और ये बहुत सारा ऐसा केसेस हुए हैं, ये बात नहीं कि शहबाज शरीफ साहब चैन से बैठे हुए हैं, इनको पकड़ना भी जो होता है उसमें पुलिस भी होती है, फिर आपको पता है जब पकड़े जाएं तो अदालत में कहते हैं जी एविडेंस लेकर आओ, ठीक है। अब अल्लाह माफी दे, इसकी एविडेंस तो होती नहीं है कोई भी। अभी आप जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस केस में तैयबा का देखें कि हम इससे भी काम करें, अभी आपको पता है हमने औरत की तहफ्फुज़ का एक बिल भी पास किया है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी पेश आए हैं।
हमारी औरतों ने भी उस पर हमारे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की और 1.5-2 साल लगे, किसी बिल को करते हुए इतनी देर नहीं लगेगी। अपोजिशन की बहनें भी मेरे साथ बैठी हुई हैं, तो जहाँ तक ये हमने काम कर रहे हैं, लेकिन पहले ही अगर फैमिली इसकी मुकमुका कर ले आपस में बैठ के। मेरा उसके ऊपर इख्तलाफ ये है कि अगर फैमिलीज मुकमुका कर लें या किसी प्रेशर में आके कर लें, उस बच्ची का क्या कसूर है? क्या इसके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए कानून नहीं बनने चाहिए कि ये मुकमुका करने का जो चैप्टर है ये हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाए और एक बच्ची को इंसाफ मिल सके? ये तो कोई बात ना हुई कि दो वडेरे बैठे जो पावरफुल है, उसने कमजोर को दबा लिया और उसको कुछ पैसे दे दिए। क्या शहबाज शरीफ साहब को ये चीजें नहीं मालूम? अगर मेरी बहन को आलिया को मालूम है तो क्या उनको इस चीज का नहीं पता तो कि ये मुकमुका किस वजह से होता है, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होती, और इसके लिए क्या उन्हें कानून या इस किस्म के रूल्स नहीं बनाने चाहिए कि इसके ऊपर कतन कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो? देखिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज, लेकिन बात ये होती है कि जो माँ बाप होते हैं क्या हुकूमत जाके उनको मजबूर करे? अभी हमने लेजिस्लेशन पास किया सर, माँ बाप तो कमजोर लोग हैं, कमजोर है। एक सेकेंड, अभी हमने लेजिस्लेशन पास की, ठीक है, कहते हैं कि जी नए लॉज बनाए, लॉज ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है उनको भी आप स्ट्रेंथन करके स्ट्रांग कर सकते हैं। अभी जो हमने हाल ही में बिल पास किया उससे हमने, अगर ये हो तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ लोगों को पता है नहीं, हमने एक वॉयलेंस सेंटर्स बनाए हैं, क्यों? ताकि कोई बाहर का इन्फ्लुएंस जो है वो उस पर ना आ सके। अगर देखें यहाँ मालूम ही नहीं है लोगों को तो फिर वो बनाने का क्या फायदा? बात ये कि बनाया या नहीं, मतलब वो काम नहीं कर रहे, इसलिए तो पता नहीं। कितने लोगों को पता है जी कि ये वायलेंस सेंटर्स बनाए गए? कितनी तालिबात को पता है, जरा बताइएगा। रोज एक सेकंड, खवातीन की हेल्पलाइन का रोज टीवी पे आ रहा होता है जी, कितने अच्छे से आ रहा है। मैं बात करना चाहूंगी कि जो हकीकत बताए कि ऐसी ग्राउंड रियलिटी ऐसी होती है कि लोग कंप्रोमाइजेस क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में सबसे बड़ा जो इशू है वो है कि इंसाफ प्रोवाइड नहीं होता गरीब को, उसकी जान की प्रोटेक्शन नहीं है। वो क्या करता है, वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है, उसको पता है कि मैं जाऊंगा अदालतों में जाऊंगा, थानों में जाऊंगा, और इंसाफ उनके लिए नहीं है, तो वो इसलिए समझते हैं कि इससे कि जान भी जाए, इज्जत भी गंवाएं और तमाशा भी बनवाएं, इससे बेहतर है कि हम कंप्रोमाइज़ कर लें। लेकिन एक बात जो रियासत की जिम्मेदारी है कि जो शख्स या औरत या मर्द जो इस मुल्क में पैदा हुआ है वो रियासत की जिम्मेदारी है। अगर कोई केस वालदैन प्लीड नहीं करते या वालदैन उसको आगे लेके नहीं चलते तो रियासत को वो केस आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि रियासत स्टेट, बिल्कुल वो स्टेट का है वो। मेरा सवाल सादिया सुहेल से है। इमरान खान वैसे तो अपने जलसों में औरत को और ख्वातीन को बड़े शौक से लाते हैं, लेकिन ऐसा, और उन्हें टाइग्रेसिस भी कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान ने सिर्फ ख्वातीन को शादी की चीज़ समझ रखा है। 6-8 महीने रखो, जब शौक पूरा हो जाए तो खारिज कर दो। क्या शादी की चीज़ समझ रखा है, 6-8 महीने रखो। आपकी एक मिनट बात सुनिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताऊं, शादी कोई मजाक या खेल नहीं होता बेटा। तो क्यों मजाक बना रखा है? मुकद्दस रिश्ता होता है ये, सवाल तो यही है उनका कि शादी तलाक देना या घर तोड़ना किसी के लिए भी बाहर से खुशी नहीं होता, ना मर्द के लिए ना औरत के लिए। और इमरान खान जैसे शख्स, पहली शादी अगर टूटी उनकी तो वो पाकिस्तान की वो रहना चाहते थे, उनकी बेगम चाहती थी कि वो बाहर सेटल हो जाए। रेहम खान साहिबा के बारे में मैं पर्सनल ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कमेंट्स करना नहीं चाहती, लेकिन मैं जहाँ तक जो बज़ाहिर जो चीज़ें हैं जो खान साहब ने जिसकी वजह से छोड़ा, वो भी उनकी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उन्होंने इस मुल्क की प्रायोरिटी दी, और वो टाइम शायद वो अपनी फैमिली को नहीं दे पाए, या वो शायद उनकी बेगम जो हैं वो ये टाइम स्पेयर नहीं कर सकती थी, या जो ऐसे खिलाफात थे जो एक मियाँ बीवी के बहुत पर्सनल होते हैं। लेकिन ख्वातीन की इज्जत जितनी हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह होती है, हमें तमाम उसमें जितनी भी मंसूबा साजी होती है, जितने भी अहम इकदाम होते हैं, हमें उसका ऑन बोर्ड लिया जाता है। हमारी जितनी ख्वातीन बड़ी तादाद में खान साहब के साथ खड़ी हैं, क्योंकि वो ख्वातीन की इज्जत भी करना जानते हैं। वो आदमी है जिसने अपनी माँ के नाम पर जो हॉस्पिटल बनाया, जो अपनी बहनों की इज्जत करता है, जो अपनी माँ की इज्जत करता है, वो सबकी इज्जत करना जानता है। इमरान खान साहब ने, मैं पीटीआई को ही सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया तो इल्ज़ाम लग गया जी वाइफ ही गलत थी। अगर वाइफ गलत थी तो शादी क्यों की? पहले हम में होता है कि जो लड़के वाले हैं वो लड़की का भी पता कराते हैं, भाई लड़की कैसी है कैसी नहीं। अगर लड़की ही अच्छी नहीं थी तो शादी क्यों की? और अगर शादी की थी तो जैसी भी थी उससे शादी निभाते ना, छोड़ा ही क्यों छोड़ा उसको? आप एक बच्ची है और एक औरत की हैसियत से मेरे भी यही ख्वाहिश होती है कि किसी बच्ची या किसी औरत को तलाक ना हो। तलाक कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन बेटा ये रिश्ते, ये एक एग्रीमेंट होता है। इस्लाम ने अगर तलाक को की इजाज़त दी है या खुला की गुंजाइश रखी है तो वो इसीलिए रखी है कि दो पार्टनर्स हों, वो इक्वल लेवल पर ज़िंदगी गुजारते हैं।
अगर किसी एक पार्टनर की भी जिंदगी मुश्किल में हो या दोनों का आपस में साथ चलना पॉसिबल ना हो तो उसको अल्लाह का कानून और इस पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है। चलें जी, ये तो गुफ्तगू जो है वो साथ रहने की एक मुख्तलिफ जिंदगी दूसरे एक दूसरे की जिंदगी मुश्किल कर दें। और मैं खातूनों के खातून के खिलाफ बात नहीं कर रही बेटा, यही वो मैंने देखा है कि सासें बहुओं को कैसे आग लगाती हैं, मैंने देखा है एक औरत दूसरी औरत पे आके क्या करती है। तो ये हम अगर अपना आज एहतसाब नहीं करेंगे तो हम बेहतरी नहीं ला सकेंगे। सिर्फ मर्द को बुरा कहने से औरत की कोई बेहतरी नहीं हो सकती। सही है, एक ब्रेक लेंगे मुख्तसर सा प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि वो एजुकेशन को कंपलसरी करे कि खवातीन के लिए इंटर या मैट्रिक एजुकेशन जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। हमारी अपनी भी जो खवातीन हैं बच्चियां हैं वो सारा वक्त ड्रामे में और तफरीही प्रोग्रामों में इंटरेस्ट लेती हैं। ये संजीदा प्रोग्राम अगर टॉक शोज या इस तरह के तजियाती प्रोग्राम देखें तो उसमें बहुत सी चीज़ें बताई जा रही होती हैं। मैं ये कह रही बात मैंने भी किया है, ड्रामा या कोई भी या अपना मोबाइल जब चैट करना तो छोड़ेंगे। मेरा सवाल आप सब जो भी जवाब देना चाहें वो ये है कि देखिए बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो टीवी पर रिपोर्ट होते हैं कि खातून को एक खातून के साथ कोई जुल्म हो रहा है या ज़्यादती हो रही है। मिसाल देता हूँ, एक अभी हमने देखा कि 3-4 दिन पहले खातून फुटपाथ पर पड़ी हुई है, हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया जा रहा। आप लोग भी यकीनन घरों में बैठ के ये मनाजर तो देखते होंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि आप लोग घर से निकले 5 मिनट की ड्राइव या 10 मिनट की ड्राइव करके वहाँ पहुँचें और उस खातून के लिए खड़े हो जाएं कि जनाब मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ और आपकी सपोर्ट से उसका मसला फौरन हल हो सकता है, तो ये काम आप लोग क्यों नहीं करते? जी बेतहाशा वाक़यात हैं कि हम लोग पहुँचे हैं, हमारे तक जब भी कोई रिपोर्ट आती है आपको पता नहीं है कि हम बहसियत ख़वातीन और बहसियत पार्लियामेंटेरियन बहसियत एक खातून सियासतदान होने के नाते हमारे फ़ोन पर हर वक्त कॉल्स आती रहती हैं ख़वातीन के। मैं लाहौर की सबसे पहली क्राइसिस सेंटर की चेयरपर्सन थी और मैंने यहाँ पे क्राइसिस सेंटर को 24 घंटे के लिए ओपन रखा हुआ था और मैंने हालांकि आज भी आप चले जाएं तो 3 बजे के बाद वहाँ पे काम बंद हो जाता है। मैंने 24 घंटे इसलिए खुला रखा था कि वक्त देखकर किसी पर तशद्दुद नहीं होगा। औरत को जब भी मुसीबत आएगी रात के वक्त आएगी, उसको अगर कोई घर से निकालेगा तो रात के वक्त निकालेगा तो उस वक्त कहाँ जाएगी। तो मैंने वहाँ पर शेल्टर होम भी अपनी जेब से बनाया और वहाँ पर शेल्टर होम में हम रात को 2-2 बजे 3-3 बजे हम खवातीन को उठा कर लाते थे। और मैं भी ऐड करना चाहती हूँ कि जहाँ तक कहते हैं मैं खुद एक ग्रास रूट वर्कर हूँ, मैं नीचे से यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं एक आम आवामी इंसान हूँ। तो मेरे सवाल के पस मंजर में आपका जवाब आना चाहिए कि आप लोग घर से बाहर निकल कर उस खातून को जिसको टीवी के जरिए आपको पता चल गया मुझे कॉल आई कि एक घर में खातून ने पुलिस ने बाहर धावा बोला हुआ है, वो कब्जा करना चाहते हैं, गाली गलूच हो रही है और फायरिंग हो रही है। मैं उसके दौरान वहां पहुंची, उस खातून का कब्जा भी वापस दिलवा के दिया, पुलिस पे FIR भी कटवाई। कोई ऐसा मौका आधी रात और मैं खुद ड्राइव करके जा भी रही हूँ और मैं किसी खातून को एक कोई मार रहा था तो मैं उतर के मैदान में तो जाती हूँ, ना चाकू की परवाह की, क्योंकि हम इसलिए वो औरतें नहीं है जो इसलिए आई थी कि या हमने कोई प्रोटोकॉल एंजॉय करना है। हम ये इसलिए आए हैं कि हम खवातीन के मसाइल पे ना सिर्फ बोले, हम प्रैक्टिकली हॉस्पिटलों में विजिट करते हैं, कोई ऐसे हॉस्पिटल हो जाए, कोई ऐसा वकूआ हो जाए सबसे पहले। तो अब मेरा सवाल फिर इसमें तालिबात से ये है, जरा माइक दे दीजिएगा, आपसे सवाल ये है कि क्या अब तक की जो परफॉर्मेंस है खवातीन की, क्या आप लोग उससे मुतमईन है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया है खवातीन के लिए, बड़ी लेजिस्लेशन की है, हम तो बाहर निकलते हैं, तो क्या आप लोग मुतमईन हैं जो कुछ हुआ है अभी तक खवातीन के लिए? जी जी प्लीज। मेरा क्वेश्चन तमाम पार्लियामेंटेरियन से हैं, जैसे कि अभी कह रहे हैं कि हमने खवातीन के लिए ये बिल पास किया, हमने खवातीन के लिए वो बिल पास किया है, तो एक्चुअली में हम खवातीन को ये नहीं पता कि हमारे लिए बिल कौन से पास हुए हैं, और अगर हमारे लिए बिल पास हुए हैं और हमें पता है तो उन पर अमल ज़रा भी नहीं हो रहा। क्योंकि जो गाँव वगैरह में जो औरतें होती हैं उनको इतनी एजुकेशन नहीं होती, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, हमारे यहाँ तो चलो थोड़ी बहुत हो जाती है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होती। वहाँ पर आप एजुकेशन का सिस्टम देख लें, बिल्कुल ना होने के बराबर है गर्ल्स के लिए। वहाँ पर स्कूल्स नहीं है, वहाँ पर कॉलेज नहीं है, तो क्या हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि वो एजुकेशन को कंपलसरी करे कि खवातीन के लिए इंटर या मैट्रिक एजुकेशन जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए? तालीम जो है तरजीह नहीं है, ये बड़ा ये मैं फायदा मरी साहब बहुत देर से खामोश बैठी हैं, एक जवाब इसका जवाब आप भी दे दीजिएगा और आप भी दे दीजिएगा। जी इसमें पहली बात तो ये कि आपने अभी कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, हमने बिल्कुल नहीं कहा अभी तक कि हमने बहुत कुछ किया, ये दावा नहीं आप कह रहे हैं। मैं बिल्कुल इसको मैं इस पर अभी आमना साहब ने कहा कि हमने अपनी मिनिस्ट्रीज में अपने दौर में ये कुछ किया, मैं
कैसे क्लियर कर जाती कैपेसिटी देखिए हम जाती कैपेसिटी में हर कोई कर रहा है गवर्नमेंट आपका साथ नहीं दे रही नहीं गवर्नमेंट भी साथ दे रही है जाती कैपेसिटी में क्यों कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है गवर्नमेंट भी होती है आप भी जाती कैपेसिटी में क्यों कर रहे हैं जाती कैपेसिटी में आप असल में आप मुझे जी जी बहुत ज्यादा कैपेसिटी में हमने क्या किया हमने बिल जमा कराए लेकिन आज तक पंजाब जी फायर असेंबली की एक तारीख है पंजाब असेंबली की एक तारीख है वो तारीख ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ख़वातीन के लिए किसी किस्म का कोई कानून बनाने के लिए कभी भी तैयार ही नहीं हुए कभी कभी तैयार नहीं हुए ये आठवां साल है अगर देखा जाए पिछले पाँच साल और उसकी क्या लगती है आपको एक मिनट पिछले पाँच साल और ये वाले 3.5 साल मिला के अभी तक अगर आप सही तरीके से देखें तो 2012 में मैंने डोमेस्टिक वायलेंस बिल के नाम से एक बिल जमा कराया था जिसके अंदर मैंने वल्नरेबल पर्सन जो हैं उनको ख़वातीन के साथ रखा था यानी ऐसे बच्चे जो घरों में काम करते हैं और उनके ऊपर तशद्दुद होता है वो भी उस बिल में एडिट थे उनको प्रोटेक्शन की डिमांड की गई थी और बूढ़े माँ बाप जिनको उनके बच्चे उन पर तशद्दुद करते हैं घर के अंदर उनकी प्रोटेक्शन का बिल जो है वो था 2012 में मैंने ये बिल जमा कराया मेरे बिल को असेंबली के अंदर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया बार 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 मुतालबा करती रही लेकिन ना तो मुझे किसी कमेटी का हिस्सा बनाया गया और आपके ख्याल में ये क्यों किया गया क्या गया ये इसलिए किया गया कि ख्वातीन के लिए सीरियस नहीं थे ना सिर्फ मुझे बिल से अलहदा किया गया बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो है उसका नाम ही चेंज कर दिया गया और उसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या वुमेन प्रोटेक्शन का एक बिल जो है वो बना के तो और ये वजह कि आज तक घर में काम करने वाले बच्चों पर होने वाले तशद्दुद के जुमरे में कोई कानून मौजूद नहीं है इसीलिए बड़ा जी कि हमने आप अजीत कुछ कहना चाह रही हैं कुछ नहीं किया जी मैं इधर एक सवाल शायद आप जवाब देना इसका जवाब दे दीजिए मगर मैं असद इसकी बात का जवाब दूंगी कि आपने जो बात पूछी कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रोना हम भी इसी बात का रो रहे हैं कि जो बिल अभी तक 3 या 4 पास हुए हैं छोटे अमेंडमेंट्स हैं 2 और एक बड़ा बिल है उसकी जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे जब तक आप लोगों में अवेयरनेस नहीं लाएंगे जब तक आप कॉलेज कॉलेज जाके अखबारों में जाके मीडिया पे जाके उसकी इश्तहारबाजी नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा दो बातों का जवाब दे दीजिए एक तो ये कि ये तो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है एक तो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है दूसरा फायदा साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज तक इंटरेस्टेड ही नहीं हुए कि खवातीन के हवाले से कोई बिल बना सके देखिए मैं इस पर बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल ही इस पर वो होते तो आज हमने हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की भी एक अमेंडमेंट बिल है जिसकी ये बात करी हमने वो पास किया और वो इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ उसकी शिकायतें भी इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन वैसे हुई है एक मिसाल आपको पेश करता हूं छोटी सी मीडिया के होने वाली हरासमेंट पर खवातीन को इंसाफ नहीं मिल पा रहा पीटीवी पर में होने वाली हरासमेंट जो है वो खवातीन बेचारी दरबदर फिर रही हैं सोशल मीडिया पर आ रही हैं कमेटी के सामने पेश हो रही हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो वर्क प्लेस पर एक सेकंड जवाब दीजिए देखिए बात यह कि आप हैरेसमेंट कई दफा मीडिया रिपोर्ट करते हैं मैं गई नहीं हूं आपने पूछा ना अभी इससे पहले आते हैं उसी से लिंक करते हैं आपने जैसे फायजा ने कहा हमने तो बिल्कुल नहीं कहा कि हम सब बहुत काम कर रहे हैं हम अपनी कैपेसिटी में जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं इंडिविजुअली और उसके साथ हुकूमत के साथ मिलके मैं मेरा प्रोफेशन क्या है एक माहिर नफ्सियात का ठीक है जो मेरे डॉक्टर आगे नाम रखते हैं वो PhD की वजह से लगता है मेडिकल डॉक्टर मैं नहीं हूँ ठीक है तो एक माहिर नफ्सियात होने के नाते मैं शायद लोगों के नफ्सियात को आसानी से थोड़ा बहुत समझ भी सकती हूँ क्योंकि नफ्सियात हर जगह आ जाता है मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस से मेरे पास कितनी सेक्शुअल अब्यूज़ की विक्टिम्स आई ठीक है अभी जैसे बात हो रही थी मैं इनको बताती भी होती हूँ कई ऐसी हैं जो हम नहीं बताते हमारा प्रोफेशनल एक एथिक्स होता है कई डोमेस्टिक वायलेंस की आई अभी मैं इनसे बात कर रही थी कि हैरेसमेंट की आई मेरे पास एक बच्ची आई जिसको स्कूल में प्राइवेट स्कूल नहीं आई ना मतलब ये आप कहना क्या चाह रही हैं कि क्या चाह रही हैं कि हमने इनको एड्रेस किया अभी जो प्रोटेक्शन का बिल है वायलेंस सेंटर्स बन रहे हैं एड्स दिए जा रहे हैं मैं खुद गई हूँ काफ़ी दफ़ा सादिया मेरे साथ कॉलेजेस में गई है डोमेस्टिक वायलेंस से बात करने के लिए ये बैठी हुई है यहाँ पर ये तस्दीक करेंगे इस बात की क्या हम लोग गए हैं हमने अवेयरनेस फैलाई है यहाँ पे अगर आप टीवी देखें तो टीवी पर रोज़ वायलेंस का ऐड आ रहा होता है हेल्पलाइन है मैं इतने कॉलेजेस में गई हूँ इतने कॉलेजेस स्कूल्स में गई हूँ मैंने वहाँ हर जगह जाके हेल्पलाइन का नंबर बताया है अभी भी मैं आपको हेल्पलाइन का नंबर बताती हूँ 0800-933-72 हमने एक ऐप भी अभी निकाली है ये कहते हैं ना कि जी आजकल मोबाइल हर एक के हाथ में है इससे तो मेरा ख्याल है कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि आप मोबाइल पे करते हो
हमने एक एरियाज डिफाइन किए कि ये एरिया सही नहीं, ये एरिया सही है, यहाँ पे आप फॉरन कॉल करो आ जाएंगे। इनको भी पता है अभी हाल ही में उसका रिसेंटली किया गया, ठीक है, क्यों इम्प्लीमेंटेशन। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, देखें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी अपनी भी जो खवातीन है, बच्चियां हैं, वो सारा वक्त ड्रामे में और तफरीही प्रोग्रामों में इंटरेस्ट लेती हैं। ये संजीदा प्रोग्राम अगर टॉक शोज या इस तरह के तजियाती प्रोग्राम देखें तो उसमें बहुत सी चीज़ें बताई जा रही होती हैं, और अगर उसमें लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, उसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि लोगों को में देखा जा रहा है, लोगों का इंटरेस्ट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अवेयरनेस फैलाने वाले प्रोग्राम होंगे। मेरी सजेशन ये है कि आप हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स को अवेयरनेस दें ये बिल्स के बारे में, क्योंकि जो काम टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बता सकती हैं या कर सकती हैं ना, वो आप क्या या मीडिया कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं ऐसा कर सकता। हम इसी हवाले से इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जो हमें जाते बुलाता है। मैडम को माइक दीजिएगा, मैडम को माइक दीजिए। हम लोगों को अवेयरनेस है इतनी नहीं है, मेरा भी ख्याल ये है कि अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, और फिर जो आप लॉज पास करते हैं उस पे अगर इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो जाए तो अवेयरनेस तो बन जाती है। बिल्कुल, ये टीवी पे जो आप प्रोग्राम करने हैं अवेयरनेस का, अगर आप इतना कुछ दिखाते हैं जी ये हो गया ये हो गया ये हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हुई हो, मुझे कुछ चीज बता दें जहाँ पर इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। नहीं आती है, छोटी सी बात करते हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनपे इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो पेरेंट्स नहीं चाहते। डॉक्टर आलिया, इस पर अगर पेरेंट्स नहीं चाहते तो उस पर आपको लेजिस्लेशन करनी चाहिए, ये राइट उनसे वापस ले लें कि वो माफ करने का जो राइट है। कि मीडिया जो है, मैं आपको बताऊं, रात को जैसे जो पॉलिटिकल टॉक शोज होते हैं, दो चैनल बंद कर दें और दो चैनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर लें, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बच्चियां खास अभी तो इस तरह कह रही है ना, ये प्रोग्राम वो नहीं देखेंगे ड्रामा छोड़ के। मैं ये कह रही हूँ ड्रामा या कोई भी प्रोग्राम या अपना मोबाइल या चैट करना नहीं छोड़ेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल नवाज शरीफ मेट्रो बस और ट्रेन मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, क्या एजुकेशन के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है, हॉस्पिटल्स के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है? आप लोग कहते हैं कि आप लोग हमारे हकूक का तहफ़ मतलब औरतों के हकूक का तहफ़ करते हैं, जलसों जुलूसों में जो कर रहे होते हैं औरतों के साथ वो सब देखते हैं, उसका कोई जवाब है आपके पास? मेरा सवाल नू लीग की रहनुमा से है। नू मियाँ शरीफ साहब के बकौल उनकी जायदाद का बंटवारा 2007 में हो गया था, जिसमें सब भाइयों को हिस्सा मिला, हुसैन नवाज को हिस्सा मिला, हसन नवाज को हिस्सा मिला, मगर मरियम नवाज को हिस्सा नहीं मिला। अगर मरियम नवाज को जायदाद में हिस्सा नहीं मिला तो हम आम औरतों का क्या होगा? दिस इज इंटरेस्टिंग। वो कह रही है कि जी अगर मरियम नवाज को आपके बकौल हिस्सा नहीं मिला तो आम औरतों को बेचारियों को जायदादों में हिस्सा कहाँ मिलेगा? जहाँ तक जायदाद की बात होती है वो एक पर्सनल चीज उनकी। क्यों पर्सनल चीज होती है? ये क्या बात कर रही है मैडम? देखिए पर्सनल ये कानून है, इस्लामी कानून के मुताबिक इसका मतलब है कि इख्तियार है कि बच्चों नहीं। आप ये कह रही है, एक सेकंड एक सेकंड, आप ये कह रही है कानून भी होता है, औरत की होती है हाफ, उसका जो मर्दों का टू हिस्सा होता है उसका हाफ आधा औरत का होता है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि हर इंसान जो खानदान होता है वो फर्क होता है उस पे, वो देखे मैं उस पे मतलब अगर औरत को हिस्सा मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जाती फैसला की ये जाती फैसला होता है, तो जाती फैसला ये होता है कि सरराह खानदान का। मैं ये नहीं कह रही, हर खानदान का अपना होता है, ठीक है, अपना भी होता है कानून, शरई हिस्सा उसे मिलना चाहिए ना जी, शरई हिस्सा उस बेचारी को शरई हिस्सा तो मिलना चाहिए, शरई हिस्सा मिलना चाहिए, वो जरूर होगा। अभी तो एक केस नहीं मिला ना, चल रहा है, नहीं मिला ना, भाइयों को मिल गया, उसको नहीं मिला। नहीं देखिए उसको भी जो गिफ्ट करना था वो गिफ्ट किया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है उनको। आपका जो सवाल है उसको मैं आलिया को थोड़ा मुश्किल से निकाल दूं। नहीं नहीं ये एक तो शरई हिस्सा तो मिलना ही मिलना है, मरियम का कोई रोक नहीं सकता, वो उसको मिलना चाहिए, उसका राइट है, अगर नहीं मिला तो उसे फौरन अदालत में जाना चाहिए कि मेरा अदालत में ऑलरेडी है जी। दूसरी बात ये कि पंजाब में तो ये कानून पास हो गया कि जो बेटियां हैं या औरतें हैं उनको जायदाद बाप की जो है उसमें से हिस्सा मिलेगा, पहले ही गिफ्ट कर दिया गया था। इम्प्लीमेंटेशन तो फिर शहबाज शरीफ साहब
और नवाज शरीफ साहब जो है उनको अपने घर से करना चाहिए। बिल्कुल बात मेरी है। आ जाएगी कि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती कानून बनने। देखिए बात ये कि ऐसी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप करके माइक पीछे दे दीजिएगा, दिला के छोड़ेंगे जी प्लीज। पहले रेहान को दिलवा दे फिर आप रेहान को उन्होंने क्या दिया है पहले बताइए। आप क्या कह रही हैं कि हम हिस्सा दिला कर छोड़ेंगे? मैंने कहा फिर रेहान को भी दिलवा देना, उसको क्या हक कर दिया गया? रेहान को क्या हक कर दिया गया ये भी बता दे, हक कर भी दिया जाता है ना जी। रेहान का हक कर क्या था ये भी बता दीजिए। चले जी प्लीज, जो गिफ्ट था वो उनको दे दिया। हमने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। आजकल नवाज शरीफ मेट्रो बस और ट्रेन मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, क्या एजुकेशन के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है? हॉस्पिटल्स के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है? क्या सिर्फ जो मरीज हैं मेट्रो बस पे जाकर इलाज करवाएं, या तालिबे इल्म है क्या वो मेट्रो बस पे जाके तालीम हासिल करें? ठीक है, सही है, आपका क्वेश्चन आ गया। और जी प्लीज आगे दीजिएगा माइक। मेरा ख्वातीन से सवाल है कि सारी सियासी जमातें बड़े शौक से एहतजाज करती हैं, जलसा करती हैं, सड़क ब्लॉक करती हैं, कि आज तक ख्वातीन के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ किसी ने सड़क ब्लॉक की है, एहतजाज की है कभी किसी ने? जी और क्वेश्चन एक ले लें इस साइड से जी, वो पीछे दीजिए माइक बेटा। मेरा क्वेश्चन पीटीआई के रहनुमा से है। आप लोग कहते हैं कि आप लोग हमारे हकूक का तहफ़ मतलब औरतों के हकूक का तहफ़ करते हैं, जलसों जुलूसों में जो कर रहे होते हैं औरतों के साथ वो सब देखते हैं, उसका कोई जवाब है आपके पास? बेटा एक तो मैं सबसे पहले बात करूं कि जलसे जुलूसों में ख्वातीन की शिरकत, ख्वातीन के साथ कोई जुल्म नहीं होता। जो दो चार बदमजगी के वाक़ात हो रहे हैं जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रही हैं, तो वो तहकीकात के बाद मीडिया ने भी आपको बताया, वो साबित हुआ कि वो जानबूझ के करवाए गए थे। एक दो जगह पे ख्वातीन भेजा गई थी और एक दो जगह पे वो मर्द भेजे गए थे, ताकि हमारी जलसों में सबसे ज़्यादा वो ख्वातीन जो घरों से निकलती भी नहीं थी, जिन एक ख़ास तबका था जो घरों में ड्राइंग रूम में बैठकर सिर्फ सियासत की बात करता था, इवन वोट देने भी नहीं जाता था, हमारी पार्टी को ये क्रेडिट जाता है, हमने उस तबके को निकाला है। और वोट का जो एक आपका सबसे बुनियादी हक है, जिसे देने के बाद आप कोई इतराज़ या वो कर सकते हैं, उनको मोटिवेट किया। और वो आम खातून जैसी औरत आई थिंक कुछ साल पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी किसी सियासी जलसे जुलूस पर जाने का, लेकिन पीटीआई ने उन लोगों को मुतहरिक किया, ख्वातीन की एक बड़ी तादाद को मुतहरिक किया, जो कि मुखालफीन के काफ़ी उनको चीज़ें प्रॉब्लम करती थी कि क्यों उनकी शिरकत को कम करने के लिए ये एक साजिश के तहत ये वाकयात हुए, जिसकी हमने सख्ती से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक इस बात का भी, इस बात की भी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी कि वाकई वो किसी ने भेजे थे या नहीं भेजे थे। मीडिया पे हमारी रिपोर्ट चेयरमैन के सामने भी गई, हम उस कोर कमेटी में शामिल है, क्योंकि हम खुद खवातीन हैं, हमारी अपनी बेटियां भी वहां शामिल होती हैं, और आप सब भी हमारी बेटियां हैं, किसी एक की बेटी हम सबकी बेटी जो है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आए दिन हम एसिड अटैक्स के बारे में सुनते हैं कि औरतों पर एसिड के अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन एक दो दिन तो मीडिया पर इस बात का तस्करा किया जाता है, लेकिन फिर एक दो दिन बाद हर कोई इस बात को भूल जाता है और फिर उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, तो ऐसा क्यों होता है? आई एम 100% एग्री विद यू। हमारे लोगों की इतनी शॉर्ट टाइम मेमोरी है ना, एक वाक्य को मते हम उस टाइम हर जगह वो चल रहा है, मसाइल इतने ज्यादा हैं कि अगला मसला सामने आ गया। क्यों कैसे गायब होता है? वो ये होता है कि काम आदमी को पता है पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, बच्चा बीमार है तो उसकी दवाई के पैसे करूँ कि उसको पढ़ाऊँ, तालीम के अखराजात, इतना ओवर बर्डन इस आवाम को कर दिया गया है कि वो उसकी यादाश्त भी इस तरह, अब जब रोज ऐसे वाक़ात पढ़ते हैं तो उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं, वो रोज़ ये देखते हैं मामलात। और अफसोस ये होता है कि ऐसे जो क्राइम या ऐसे वाक़ात सामने आते हैं वो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचते, पता चलता नहीं है जो कल्प्रेट इसमें शामिल थे उन्हें क्या सजा हुई। ये काम हमारा जरूर है कि आप जैसे बच्चे जब ये क्वेश्चन उठाएंगे तो हमें जवाब भी देना पड़ेगा। अच्छा, ये बच्ची ने सवाल पूछा था, सर एक सवाल ले लें ना मैडम, इसके साथ ही जवाब दीजिएगा, मिलाकर दे दीजिएगा जी बेटा। अस्सलामुअलैकुम। एक सेकंड सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि सब पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ी होती हैं कि वो गलत है वो गलत है, अगर आप सब इकट्ठे मिलके काम करें तो क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता? देखें बच्चे मासूम होते हैं और बच्चों का सवाल भी मासूम होता है, उनका सवाल ये है कि सब मिलकर काम करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, आमना साहिबा को एक मिनट जी। बच्ची ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, बात यह है बेटा कि अगर सब मिल गए ना तो फिर बादशाहत, तो हम पहले इस चीज का रोना रो रहे हैं कि यहाँ पे बादशाहत नहीं हमने कायम करनी, किसी एक की इजारादारी नहीं होनी चाहिए, अपोजिशन होगी, कोई किसी को रोकेगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं तो ही तो इस्लाह करेगा कोई। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने जैसे की
कि जी पुल और वो मेट्रो बस वगैरह बन रहे हैं, लेकिन ना हॉस्पिटल्स का पता है ना एजुकेशन का पता है। अनफॉर्चुनेटली 2.5 करोड़ बच्चा हमारा जो है ना वो स्कूल जा ही नहीं रहा, उसके हाथ में किताब ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि हमारा रोना भी तो यही है, अगर हम सब मिल जाएंगे तो फिर रोना कौन रोएगा, फिर इन चीजों को कौन हाईलाइट करेगा असेंबली में, कौन जाके बताएगा कि ये आप गलत कर रहे हैं। अगर मीडिया पे आके हम लोग शोर मचाते हैं, प्रायोरिटी किस चीज की है? प्रायोरिटी सबसे पहले हमने एक माँ बाप ने बच्चे को क्या देना होता है, सबसे पहले वो उसके दूध का उसको खुराक का इंतजाम करता है, उसके बाद उसकी एजुकेशन का करता है, उसके शेल्टर प्रोवाइड करता है, उसके बाद कहता है मैं इसको साइकिल लेके दूं या इसको गाड़ी लेके दूं। अब हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमें हुकूमत से इतराज किस बात का है कि भाई आप बसें बनाए चले जा रहे हैं, ट्रेन लगाए चले जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को सबसे पहले आप उस बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करें, खाने पीने का करें, उसके बाद उसके इलाज का करें, उसके बाद जाके उसकी एजुकेशन का करें, उसके बात सोचे कि जी इसने साइकिल चलानी है या इसने बस चलानी है या इसने कार चलानी है। जो अभी बच्चे ने सवाल किया था आलिया कि मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेन जो बन रही है उसमें बैठ के, ये वजीर आजम साहब ने बयान दिया था कि ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो ट्रेन जो है उसका फायदा ये है कि इसमें बैठ के मरीज जो है वो अस्पतालों तक जाएगा। तो मैं, मेरा सवाल और मेरी सोच ये है कि जिस हॉस्पिटल में ना दवाई है ना बेड है ना डॉक्टर है, उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जमीन पे ही मरेगा ना आखिर में, जमीन पे ड्रिप भी कोई नहीं लगाएगा, उसको पड़ा रहेगा वो कई दिन जमीन पे, या अगर एक बेड दे दिया जाएगा तो उस बेड पे ऑलरेडी 3 पेशेंट पहले होंगे। तो मतलब उस हॉस्पिटल पहुंच भी जाएगा तो मरेगा कि बेटा हॉस्पिटल की हालत तो ठीक कर दे। अगर हमारे पाकिस्तान के हॉस्पिटल बिल्कुल ठीक है तो नवाज शरीफ और उनके बच्चे बाहर जाकर इलाज क्यों करवाते हैं अपना, या उनके लिए यहाँ पे कोई रोल्स नहीं है? देखिए जो हेल्थ है और जो एजुकेशन है हमारी प्रायोरिटी जरूर है। अगर आप देखें तो वजीरे आला का ख्वाब है कि हर बच्चा जो है वो स्कूल जाता ये हो। ख्वाब कब शर्मिंदा है ताबीर होगा? ख्वाब की ताबीर में होगा जाकर ख्वाब की ताबीर करते हुए कर तो रहे हैं सारी, जो हमारे हमदर्द भी स्कूल आ रहे हैं, मैंने भी स्कूल अडॉप्ट किया है, हम अपना काम भी कर रहे हैं। प्रायोरिटी आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी पॉलिटिकल विल क्या है? अगर हम वो मंसूबों पे फोकस करते हैं जो अगले इलेक्शन के लिए लोगों को बाहर नज़र आते हैं तो वो फिर इस तरह के नतीजे होते हैं। अगर हमारी प्रायोरिटी हेल्थ है, एजुकेशन है, तो हमें इस तरह से पहले इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब गरीब एक जोरा बीबी जब फर्श पे तड़प तड़प के मरती है बगैर बेड के, एक बच्चा जो है वो सीढ़ियों पे एक औरत जलने पे मजबूर हो जाती है, बच्चों को चूहे खा जाते हैं और वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होते, तो ये किसी भी माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया भी है और बाइस शर्मिंदगी भी है। एक ब्रेक लेंगे मुख्तसर सा प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और बहुत सारे फंड्स के साथ, तो आपका फर्स्ट आज मैम आप अगर फर्स्ट टेन्योर है तो आप उस टेन्योर को यूज करें ना, आप लोग धरने ना दें। यूज कर रहे हैं, देखिए धरना इधर पार्टी इधर किसी के गवर्नमेंट दे रही है। जी मेरा क्वेश्चन है, ये जब भी हॉस्पिटल्स वगैरह की बात हुई, ऑरेंज ट्रेन मेट्रो ट्रेन वगैरह वगैरह, चलो पंजाब में तो बहुत कुछ हो गया, मेट्रो बन गई, मतलब जो भी ऑरेंज ट्रेन वगैरह वगैरह, लेकिन केपीके में क्या हुआ है? ना हॉस्पिटल को कोई रिफॉर्म हुआ है, ना कोई पुलिस सही हुई है, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ इसीलिए मुझे पता है। वैसे ये जो अखबारी बातें हैं वगैरह वगैरह, लेकिन शुक्र है यहाँ पे कुछ तो देखने को मिल रहा है, बाकी वहाँ पे तो नथिंग लाइक दैट। जैसा केपीके से हूँ मैं जी, एबटाबाद में सिर्फ एक हॉस्पिटल है अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा और वहाँ की हालत देखने वाली, अगर आप मतलब आप तो मीडिया से ना जाके प्रोग्राम करें कैसे कैसे हॉस्पिटल्स में मतलब अजीबोगरीब हालात है। और स्पेशली पर्ची की बात करती हूँ, 1 रुपए की पर्ची यहाँ पे और वहाँ पे इमरान खान साहब ने 100 रुपए की पर्ची कर दी है मैंने सुना अभी, तो प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल घर में तैयबा को इंसाफ नहीं मिला तो और कोई क्या इंसाफ करेगा? अच्छा जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं तैयबा को अगर इंसाफ नहीं मिला जज साहब के घर में तो फिर किसको इंसाफ मिलेगा, ये सवाल है इनका। अच्छा मैं आपके बेटा सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये कि केपीके में हमारा ये फर्स्ट टेन्योर है और वो सूबा है जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी की जद में रहा, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बदतरीन हालत में था। हमें जिस हाथ पे मिला, मैं ये नहीं कहती वहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और बहुत सारे फंड्स के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में अदारों को खुद मुख्तार करना होता है और पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, उससे बेहतरी के चांसेस आते हैं।
आप सबसे पहले आपने ये देखा कि हमने हाँ है, आप कह रहे हो कि एबटाबाद का हॉस्पिटल या किसी भी एक हॉस्पिटल, इसमें बहुत सारा हेल्थ पे काम हो रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब पॉलिसीज बन रही होती हैं, एक सिस्टम बन रहा होता है, तो उसका टाइम लगता है। आप कह रहे हैं कि यहाँ कम से कम मेट्रो नज़र तो आ रही है, यही हमारी सोच का फर्क है कि हम देखने वाली चीज़ों को पसंद करते हैं। आज की पुलिस, आप केपीके की पुलिस को आप आज साबित हो गया, इंटरनेशनल लेवल पर माना गया है, एनवायरमेंट जो सबसे बड़ा इशू है। आपका फर्स्ट, आज मैम आप अगर फर्स्ट टेन्योर है तो आप उस टेन्योर को यूज करें ना, आप लोग धरने ना दें। यूज कर रहे हैं, देखिए धरना पॉलिटिकल पार्टी है, बात सुनिए बेटा, बात जो आप लो ना पूरा, देखिए धरना जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी दे रही है, और इमरान खान अपोजिशन लीडर हैं इस टाइम, एक अपोजिशन पार्टी है जो जिस तरह बाकी दो अपोजिशन पार्टीज पर बैठी हैं। अगर हम सब कुछ, ये धरना ना होता, ये तमाम चीज़ें ना होती, ये जो इशू आज, अगर गवर्नमेंट कुछ काम भी करने पे मजबूर है तो उसकी वजह स्ट्रांग अपोजिशन होती है, फ्रेंडली मैचेस से इम्प्रूवमेंट नहीं आती। जहाँ तक सूबे में है, सूबे में हेल्थ पे आप पुलिस की रिफॉर्म्स देख लें, पुलिस में कितनी बेहतरी आई है, एजुकेशन में क्या काम हो रहा है, ये जरूर, लेकिन एकदम तो मिरेकल नहीं होगा कि हर चीजें बेहतरीन हो गई है, एकदम में इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है, इन तमाम चीजों में टाइम लगती है, 5 साल बाद आप हमसे जवाब देने के हकदार हैं। पीटीआई की नाजुक रग को छेड़ा है तो फिर खामोश करवाना मुश्किल हो रहा है जी। हमारे मुल्क में लड़कियां मोहताज क्यों रहती हैं कि भाई लेने जाए या वालिद लेने जाएं या वैन वाले अंकल लेने जाएं, वो खुद क्यों नहीं जा सकती? मेट्रो बस का आ गया था, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी, लेकिन जितने लोगों ने भी मेट्रो का सफ़र किया वो सारे दोबारा यही नसीहत करते हैं कि कोई मेट्रो में जाए ही ना। वो कह रही हैं कि आप मेट्रो को बड़े फख्र से पेश करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने, जिन बच्चियों ने मेट्रो में सफ़र किया है, वो आके सजेस्ट करती हैं कि कोई मेट्रो में सफ़र ना करे, वहाँ पर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मौजूद है और वहाँ पर कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो साजगार नहीं है बच्चियों के सफ़र करने के लिए। कोई ऐसा स्पेसिफिक क्यों नहीं बनाया जाता, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए ट्रांसपोर्ट सिक्योर हो। बात हम रखेंगे जहन में, उसको भी हम आगे आवाज़ उठाएंगे, होनी चाहिए, लेकिन मेट्रो एक ऐसा है कि हर एक को उसको पसंद आता है। क्या उन्होंने आपको बताया कि क्या ऐसी चीजें? खवातीन के लिए भी मेट्रो बस बनाया? नहीं जी, मेट्रो के शौकीन है, आप बना दें, बना दें, ऐसी क्या बात है, खवातीन के लिए भी बना दें, आप भी तो जाके बैठे। नहीं, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, बनाए। अच्छा, मैं आपको सपोर्ट करूँ? बात मैं करना चाहती हूं, बात ये है कि वहां पर मेट्रो का एक है कि आपने पूछा है क्या उनके तहफ्फुज़ात थे, क्यों ना करो? कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए हर एक का अपना होता है, हो सकता है किसी ने ऐसे ही कहा, तो ये बताइए तो सही कि क्या है और हम तक क्यों नहीं रिपोर्ट पहुंची? बात तो ये भी है ना जी, जी आपने, आपने जो तहफ्फुज़ की बात की है ना, जी इनका क्वेश्चन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जी, बेटा जो तहफ्फुज़ की बात आप कर रहे हो ना कि लड़कियों के लिए, मेरा ख्याल है कि सेग्रीगेशन जो है ना वो हल नहीं है किसी भी मसले का। नहीं, सेग्रीगेशन माहौल को ठीक करने की जरूरत है, उस माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है जिसकी वजह से आप सड़क पे अपने आप को महफूज नहीं समझते। मैं डॉक्टर आगे से पूछना चाहती हूँ कि आपने होगा तो आप अपने आप को सिक्योर भी समझेंगे और आपको बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं। मैं डॉक्टर आगे से पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपने मेट्रो में सफर किया है? मैंने मेट्रो में सफर नहीं किया, ऐसे आपको करने का ठीक है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा होता है, जिस दिन जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं भी थी तब भी मेरा मेट्रो में करने का सफ़र बहुत दिल था, और अब मेरा इरादा है, मैं अपनी फ्रेंड्स को कह रही हूँ कि मेरे साथ चले, ठीक है। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर आलिया से है कि जैसे इन्होंने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ये ख्वाब है कि ये लोग हर बच्चे को स्कूल जाता देखेंगे, अभी 5 साल तकरीबन होने वाले हैं हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है, ये ख्वाब ऐसे चलता रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो भी ख्वाब दिखाती जाएगी, तो क्या ये ख्वाब सिर्फ हम देखते रहेंगे, इसको कोई फुलफिल करने का मतलब नहीं है? अच्छा, इसमें मैं इजाफा कर दूँ छोटा सा, एक सवाल में, आप एक ख्वाब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पुल होना चाहिए, वो ख्वाब आपका 1.5 महीने में पूरा हो जाता है, पूरा होता है। वो ख्वाब तो 1.5 महीने में पूरा हो जाता है, लेकिन फिर आप ख्वाब देखते हैं कि तालीम के हालात बेहतर होने चाहिए, उस ख्वाब के पूरा होने की बारी नहीं आती। क्यों नहीं बारी आती? कहीं ऑडियो विजुअल सिस्टम हो गए, आप जाके स्कूल, आप मुझे एक बात बताइए, आपने गवर्नमेंट स्कूल विजिट किए? गवर्नमेंट स्कूल विजिट किए? मैंने किए नहीं, मैं उससे, अच्छा मैंने भी किए, वैसे आपसे भी नहीं, मैं पूछी हूं, नहीं हमसे पूछे ना जिन्होंने किए, आपसे मैं क्यों पूछूं जिन्होंने सवाल किए? मैं उनसे बहुत सारी बच्चियां गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ी होंगी। मेरा आपको एक ऑफर है, आप मेरे साथ चलो, ठीक है, आप मेरे साथ चलो और जो आप गवर्नमेंट स्कूल कहोगे वहां आपको लेके चलेंगे और आपको हम खुद सिस्टम दिखाएंगे। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में जाती हूँ, देखा है,
हमने अभी आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में पानी साफ नहीं मिल रहा। मेरी बात पानी मिल नहीं रहा, आप साफ की बात कर रही हैं, टॉयलेट मौजूद नहीं है। मैं तो आपको ऑफर दे लूं आपको, आजा साहब मैं लेकर चलता हूं सरकारी स्कूल में। मेरी बहनें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, जिस स्कूल में ये कहेंगी मैं उस स्कूल में आपको लेकर चलता हूं स्कूल में जहां टॉयलेट मौजूद नहीं है बच्चों के स्कूल में। तो कह रही हूं कि ये लेके चले, आपकी बात मैं क्यों सुनूं, मैं यहां कॉलेज के तलबा को जवाब देने आया। अच्छा मैं चले जी आप उनके जवाब जो कॉलेज के यहाँ पे तलबा अंदरून शहर में गवर्नमेंट स्कूल में ना बिजली है ना पानी है ना बैठने के लिए फर्नीचर है, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। बिजली मेरे घर में भी नहीं है, बिजली के मंसूबे हर जगह लग रहे हैं और बिजली आने में अभी थोड़ा, बिजली इनके हुकूमत के बिजली से आ रही है और अभी तक नहीं आई है हमारे एक क्वेश्चन मैं आप बच्चों से भी करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह इतनी समझदार बच्चियां हैं जिनको हर चीज का पता है कि माशरे में क्या हो रहा है और हुकूमत क्या कर रही है। मुझे पता है हुकूमत की प्रायोरिटीज जो है कि क्या काम पहले करना चाहिए, उससे आप लोग मुतमईन हैं। दूसरी बात यह कि आपको क्या लगता है मन मन टू टू का मनसूबा ज्यादा बेहतर था या मेट्रो ट्रेन, तो मुझे इस बात का जवाब दें। वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने बनाई, फ्री इमरजेंसीज बनाई, दिल के हॉस्पिटल बनाए, पढ़ा लिखा पंजाब के लिए स्कूल बनाने शुरू किए, मुझे बताएं उनको वोट देकर आप लोगों को लाना चाहिए था या सिर्फ मेट्रो ट्रेन बनाने वाले को या सिर्फ जंगला बस चलाने वाले को। और गलती हो गई, जंगला बस जो है ये अवाम की भी खता है, ये अवाम का भी कसूर है कि जो बंदा सही काम कर रहा होता है। आप मुस्कुरा रही हैं, लग रहा है आप इनकी बात से इत्तेफाक कर रही हैं। आवाम का एक मैंडेट था, क्यों नहीं दोबारा उनको भी लिया? एक बात बताइए क्यों नहीं लिया, अगर इतनी कारकर्दगी अच्छी थी तो क्यों नहीं लिया, जवाब दीजिए ना। नाज़रीन आज का जो प्रोग्राम था ये हमारा खास तौर पर खवातीन के हवाले से था कि खवातीन पार्लियामेंटेरियंस ने खवातीन के लिए क्या किया, और ये मौका हमने तालिबात को बच्चियों को फ्राहम किया कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से ये पूछें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। बहुत सारे सवाल तालिबात की तरफ से किए गए, कुछ सवाल हमारी तरफ से किए गए, कुछ के जवाब दिए गए और कुछ के जवाब हमेशा की तरह गोल कर दिए गए। लेकिन ये सवाल हम हमेशा हर फोरम पर उठाते रहेंगे, यूथ के साथ जो इंटरेक्शन है उससे हमें और हमारे सियासतदानों को नुमाइंदों को भी सीखने का बहुत मौका मिलता है। यह आज का खसूसी प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कॉलेज की इंतज़ामिया का और अपवा कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस मुफ्ती साहिबा का जिन्होंने यह मौका फराहम किया कि हम यहाँ पर प्रोग्राम करें। इसके साथ ही ये प्रोग्राम मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।